नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एपीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको एक बाजार की दिग्गज वॉइस से, मार्केट वॉइस से मिलाया जाए और बाजार की दशो दिशा के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे का तड़का कहां पर लग सकता है, कैसे आपको कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए जिसकी वजह से शायद आपको घाटा हो जाए, तमाम पहलुओं पर बात होती है। आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की भी क्लास लगती है और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ एंथनी हेरेडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ महिंद्रा मैनुलाइफ और साथ ही एम्फी के वाइस चेयरमैन जुड़ गए हैं। एंथनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। हम इस शो में बाजार की तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ तमाम डेटास पर बात होने वाली है, बाजार की चाल पर भी बात होने वाली है। बट शुरुआत में करना चाहती हूँ बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ, बाजार का मिजाज कैसा है, नरम गरम ये चल रहा है और ये लोगों को जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, भले ही लंबी अवधि के लिए हो, छोटी अवधि के लिए हो या मध्यम अवधि के लिए हो, परेशान जरूर कर रहा है। गुड आफ्टरनून कविता, बीन अ लॉन्ग टाइम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, तो बाजार इज सच दैट इट इज वन डे नरम, अनदर डे गरम। वन मंथ बिफोर इलेक्शन तो ये तो होता रहता है, वॉलेटिलिटी बिफोर इलेक्शन रिजल्ट वो बाजार की तो इट्स अ गिवन। एंड मेरा व्यू ये होगा कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, आपकी जो व्यू लॉन्ग टर्म का है वो बनाए रखे और आप ये सब जो रोज की उतार चढ़ाव या जो रोज की पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज को आप समझिए, लेकिन आप मोस्टली इग्नोर कीजिए, बिकॉज इवेंचुअली आपको तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में तो होता रहता है, ऑब्वियसली अगर इलेक्शंस या जो फेड की जो हर दो महीने में जो स्टेटमेंट्स आती है वो तो होते रहेंगे। आपने सही कहा, क्योंकि अगर आपका नजरिया लंबा है तो इनफैक्ट बाजार का ये उतार चढ़ाव कई बार ऐसा मौका भी होता है जहां पर आप पैसे लगा लें और लंबी अवधि में आपका मुनाफा हो। अच्छा, एक चीज जो मुझे पूछनी है, जो कि अब देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस बाजार में दिखाई दे रही है और अगर बाजार की उम्मीद के मुताबिक अगर नतीजे नहीं आए तो बहुत एक्सपर्ट्स तो बड़ी गिरावट का भी एक संभावना बता रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल जो मौजूदा लेवल्स हैं ना बाजार के, इनमें आप पैसे लगा ही लीजिए, 10 से 12 दिन का समय है, आपको डिले नहीं करना है, ये लेवल्स हो सकता है आपको वापस से देखने को ना मिले। आपने तो बहुत सारे ऐसे बाजार के फेजेस देखे होंगे, कई इलेक्शंस के दौरान आपने बाजार की चाल देखी होगी, अब की बार बाजार की चाल जो पहले के इलेक्शंस हो चुके हैं, लोकसभा इलेक्शंस, उनके मुकाबले कितनी अलग लगती है? जो एनालिसिस मैंने आपको बताई, जो एक्सपर्ट्स कमोबेश दे रहे हैं, एक ये कि अभी ही मौका है, ये लेवल्स वापस नहीं आएंगे, और एक ये कि अगर मन मुताबिक बाजार के नतीजे नहीं आए तो बहुत गिरावट होगी, एनालिसिस को आप कैसे देखते हैं और आपका अनुभव इलेक्शन के नतीजों से पहले बाजार की चाल को लेकर? मेरा राय थोड़ा सा अलग होगा। मेरे राय के हिसाब से अगर आप पिछले 12 या 15 महीने की जो मार्केट की चाल रही है, जितनी अप्रिसिएशन हुई है, उस बेसिस पे अपनी वैल्यूएशन जो है वो काफी स्ट्रेच्ड है, काफी पॉकेट्स में, तो इसके मुताबिक ये कहना कि आपके पास सिर्फ 10 या 12 दिन की समय है कि आपका जो लॉन्ग टर्म पैसा डालना है आप अभी डालिए, मेरे हिसाब से इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की जो रिजल्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट मार्केट का जो रिएक्शन होगा, समझिए कि अगर आपको एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आया, क्योंकि अगर मार्केट को लगता है कि जो रिजल्ट है मार्केट को पसंद नहीं है, तो तब मेरे हिसाब से आप निवेश ज्यादा करिए। लेकिन नॉर्मल जो आज की मार्केट की जो वैल्यूएशंस है, मुझे ये नहीं लगता है कि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेगी। मेरे पॉइंट ये है कि आपकी जो नॉर्मल निवेश की जो स्टाइल है, आपकी जो टाइम फ्रेम होनी चाहिए वो आप बरकरार रखिए, उसमें ही बेटर है। ये नी जर्क रिएक्शन टू आइदर पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जो अगले जून 4th को होने वाला है या नेगेटिव रिएक्शन, नॉर्मली मैंने देखा है कि ऐसे रिएक्शन को आप कभी पैसा बनाते नहीं है। दूसरी पॉइंट मैं ये बताऊं कि जो आप अगर 1991 से आप देखिए, अगर आपने हर गवर्नमेंट की जो टर्म है, आपने वो गवर्नमेंट का नाम आप हटाइए,
आप सिर्फ वो टर्म में जो रिफॉर्म्स या जो बदलाव आया है उसको लिख लीजिए, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये देश में कौन गवर्नमेंट एक्चुअली चला रहा था। तो पॉइंट क्या है कि अपना जो देश की इकोनॉमी है वो सुपरस्टार है, और अगर आपको वो बिलीफ है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगले 5-6 साल में हमारे देश में होगी ही होगी, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। ऑब्वियसली फ्रॉम मार्केट परस्पेक्टिव एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मार्केट वैल्यूएशंस आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है कि मुझे पता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से होने वाला है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ वेरी वेरी क्लियर थिंग। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अल्टीमेटली जो बेसिक इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बदलाव हुआ है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका जो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होगा, वो जो अगले 5, 7, 10 साल में जो प्ले आउट होगा, दैट टू माई माइंड इज समथिंग विच इज नॉट लिंक टू इलेक्शंस और बजट्स, इट इज लिंक टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा उस नजरिए से करिए, आप जो अगले 30 दिन में होगा या अगले 7 दिन में जो होगा, अगर आप उस बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप लेंगे, तो नॉर्मली उस डिसीजंस में आप पैसा नहीं बनाते। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये समझाया कि कैसे बाज़ार के शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स को हावी नहीं होने देना चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, और कैसे ये जो अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हाँ सोच समझ कर अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कर देना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से। अच्छा एक और चीज़ मैं चाहती थी आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि अब देखिए असल समझ बाज़ार में तभी आती है जब आप पैसे लगाते हैं और थोड़े बहुत पैसे गवाही देते हैं। आपको नुकसान हुए बगैर मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो सीख पाते होंगे कि बाजार कामकाज कैसे करता है और बाजार की चाल पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारा मकसद तो यही है कि हम लोगों को घाटे से बचाए, नुकसान से बचाए और सही फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन जब लोग खबरें पढ़ते हैं ना एंथनी सर, तो परेशान हो जाते हैं। आजकल खबरों में FIIs की सेलिंग है, आजकल खबरों में बात है कि भारत से पैसा निकाला जा रहा है, चाइना के बाज़ारों में डाला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर फिलहाल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। भारत तो हमेशा से ही प्रीमियम बाज़ार उनको लगता था, लेकिन अब वहाँ पर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर चाइना में FIIs को काफ़ी दमदार मौका दिखाई दे रहा है। दूसरी हमारी ग्रोथ स्टोरी है जो कि अपने बुनियादी तौर पर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम कह रहे हैं कि हमारे जो DIIs हैं वो अभी मजबूती से खड़े हैं और बाजार भी बहुत मच्योर हो गया है। हमारी रिटेल पार्टिसिपेशन आप देख लीजिए जो आंकड़े आए हैं, खासतौर से SIP के 20,000 करोड़ के आगे बढ़ गए हैं। तो एक हमारी DIIs की कितनी स्टोरी मजबूत है और FIIs की सेलिंग और चाइना की तरफ जाना कितना चिंताजनक एक विषय हो जाएगा आपके मुताबिक? तो कविता जी, पहले तो आपको जो लेटर पार्ट ऑफ क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आई थिंक डोमेस्टिक फ्लोज की जो बात करें, उस फ्लोज का स्ट्रेंथ और उनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर मेरे काफी पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि ये जो फ्लोज है वो काफी तरह से वो फ्लोज SIP के थ्रू ड्राइव हो रहा है। तो SIP ऐसा एक चीज है कि आपने एक बार SIP कर दिया तो वो डिसिप्लिन से वो फ्लोज आते रहेंगे। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप बुद्धि हर महीने आप लगाओगे कि मुझे डालना चाहिए या इन्वेस्ट निकालना चाहिए, उसमें फ्लोस में वॉलिटिलिटी होती है। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है कि अगर 60-70% ऑफ द फ्लोस SIP के माध्यम से आ रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फ्लोस DII फ्लोस अगले 1-2 साल या 3 साल के लिए मार्केट को काफी स्ट्रेंथ देती है। लेकिन अगर आप FIA की बात करें, तो FIA एक ऐसे एंटिटी है जिसके पास दुनिया में वो कहीं भी पैसा डाल सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो प्राइमली इंडिया में ही देखेंगे, वो तो सोचेंगे कि क्या मुझे FD में ज्यादा डालना चाहिए या मुझे इक्विटी में ज्यादा डालना चाहिए। लेकिन जो FIA है वो देखेंगे कि क्या चाइना की जो बैड न्यूज थी वो प्राइस्ड इन हो गया, अभी वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव है। एक और कंट्री जो मेरे हिसाब से जो हम FII क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, जो लास्ट 3-6 महीने में काफी
हद तक फोकस में आई है वो जापान है। एंड एक्चुअली जापान एक ऐसे कंट्री है कि एक तरह से जापान वर्ल्ड को लिक्विडिटी बहुत प्रोवाइड कर चुकी है। लास्ट 10-20 साल से लोग हमेशा यूएस के तरफ देखते हैं कि यूएस फेड क्या कह रहा है, यूएस में लिक्विडिटी कितनी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर यूएस के अलावा एक और कंट्री है जो ग्लोबल लिक्विडिटी को सपोर्ट करती आ रही है, वो जापान है। तो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा होगा कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स पे क्या व्यू लेती है। मेरे हिसाब से वो एज इम्पॉर्टेंट है जितने फेड की जो व्यू है। मेरे हिसाब से एफआईज जो है उनकी अगर आप 1-2 साल की नंबर्स देखोगे तो मेरे हिसाब से एफआई फ्लोज नेट पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट्स है, जो कंपनीज की जो अर्निंग्स है, वो कई और देशों में ऐसे सिमिलर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, एफआई फ्लो और डीआई फ्लो, फ्रॉम अ 2-3 ईयर परस्पेक्टिव, मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से एफआई फ्लोस नेट स्टेबल न्यूट्रल होगा और डीआई फ्लोस कंटिन्यूअसली थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। सो नेट नेट मुझे ये लगता है कि जो फ्लोर की सिचुएशन है, फ्लोर से अपनी मार्केट की गिरावट की चांस कम है। ऑब्वियसली जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रही है वेस्ट एशिया में या जो रशिया यूक्रेन, उसका जो इवेंट्स की जो नतीजा मार्केट्स पे, वो तो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जो अगर आप फ्लोज की बात करें, डीआई फ्लोज मुझे लाइक आई सेड काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये रहता है कि एसआईपी के थ्रू जो फ्लोज आता है, मुझे लगता है उसका जो कंसिस्टेंट जो स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एफआई की फ्लो है वो मेरे हिसाब से इट्स अ क्वेश्चन कि आज के सरकमस्टेंसेस के हिसाब से एफआई को कई अपॉर्चुनिटी कई और लग रही है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप थोड़ा सा 3-6 महीने के व्यू को थोड़ा एक्सटेंड करें तो एफआई का फ्लोज भी वापस आएगा। निवेशकों की अब बात कर रहे हैं और एसआईपी एंथनी सर एक ब्रह्मास्त्र, एक रामबाण जो निकल कर आया है, क्योंकि वो किश्तों में निवेश कर सकते हैं, कम से कम राशि में पैसे लगा सकते हैं। एक जो नैरेटिव बदला है मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। नैरेटिव इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत में था कि अब लार्ज कैप्स की वापसी हो जाएगी और मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत फ्रॉथ है, तमाम तरह की एक्सरसाइजेस की गई यहाँ पर इनफ्लो को थोड़ा सा मॉडरेट करने की, सेबी की तरफ से एमफी ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है। मार्च में हमने देखा कि थोड़ा सा हमें आउटफ्लो भी दिखाई दिया, इनफ्लो में कमी भी दिखाई दी, लेकिन अब वापस से जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं एमफी के, उसमें हमें मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरी कहानी बिल्डअप हो रही थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में लोग छोटी अवधि में बड़ा मुनाफा कमाने के बारे में सोचते हैं और इसीलिए हम फ्लोज आते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज नहीं है अब इस नैरेटिव में? क्या लोगों को ये समझ में आ गया है कि मिड कैप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो को गति देने के लिए बहुत ज़रूरी है? लार्ज कैप तो देखिए रखने ही होते हैं, उनके बगैर तो आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से भी होना ज़रूरी है। लेकिन ख़ासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में निकासी की जो बात आ रही थी, इस नैरेटिव में कितना बदलाव और कितनी तब्दीली निवेशकों की समझ में इस वॉलेटाइल मार्केट कैप कैटेगरी को लेकर? आपने बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछी है। अगर आप पिछले 3 या 6 या 9 महीने का अगर आप ट्रेंड्स देखते थे, तो इवन दो स्मॉल एंड मिड कैप के जो नेट फ्लो था वो सबसे ज्यादा चैंपियन कैटेगरीज थे। मेरे हिसाब से हर महीना जो ग्रॉस फ्लोस की जो ट्रेंड थी वो थोड़ा सा फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स की तरफ जा रहे थे। तो वो मेरे हिसाब से मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि क्लियरली अगर आप मार्केट की जो आप वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो उस वैल्यूएशन ब्रॉड मार्केट की वैल्यूएशन की समझिए कि आपका एक राय है उसकी। ब्रॉड मार्केट के अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप, आपको कंसीडर करना होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप में काफी हद तक पॉकेट्स में वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच लगने लगा है। तो इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा उनकी जो नया निवेश है, नए निवेश जो ग्रॉस फ्लोज में रिप्रेजेंट होता है, उनका तो थोड़ा सा फर्क ये गिरा है कि फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स की तरफ जाए।
मैं ये कैंप में नहीं हूं, क्योंकि ये हमेशा ये नैरेटिव होते हैं कि आप एक मतलब नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल जाते हो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हो, मतलब या तो आप स्मॉल मिड कैप चैंपियन है तो फिर नहीं तो फिर लार्ज कैप चैंपियन। मेरे राय में आप एक स्टेप बैक लीजिए। हमारे जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ या जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगले 5 6 7 साल में, ये आप कभी कह नहीं सकते हो कि ये ग्रोथ यही सेक्टर्स में होंगे जहां लार्ज कैप कंपनीज है, जो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि यही सेक्टर्स होंगे जहां स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है। तो मेरे हिसाब से सिंपल फिलोसफी ये होगा कि आप कैपिटलाइजेशन के ऊपर आप ज्यादा बुद्धि मत लगाइए कि लार्ज कैप चलेगा कि स्मॉल कैप चलेगा, क्योंकि पॉइंट क्या है कि अगले 5 साल में ब्रॉडली सब हमारा एक इनफैक्ट जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारा ये मुद्दे पे एक सिंपल सा टाइटल है, सबका टाइम आएगा, राइट? तो मेरा फर्स्ट रिप्लाई होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप में क्लियरली निवेशकों का थोड़ा सा जो प्रेफरेंस था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग बिकॉज गिवन वैल्यूएशंस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ विच इज समथिंग जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक जो कैटेगरी पिछले 6 7 महीने से स्मॉल और मिड के सिमिलर ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री पे था और अभी भी वो दिख रहा है कि वो ट्रेजिक्ट्री बरकरार है, वो थीमेटिक फंड्स है। और अगर आप देखेंगे कि जो थीमेटिक फंड समझिए आप इनोवेशन की थीम पे है या जो मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रा का थीम पे है, तो ये चीज से जुड़ा है कि अपना इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये थीम्स काफी निवेशकों को लगता है कि इसमें अप्रिसिएशन की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैसा उसमें शिफ्ट हो रहा है कि समझिए कि आपका जो 50 60 70% का जो इन्वेस्टमेंट है आप सिंपल डिवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में करिए। अगर आपको आपकी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको लाना है तो मेरे हिसाब से निवेशकों को पिछले 1 2 महीने से वो पैसा थीमेटिक के तरफ जा रहा है, जो पहले अगर आप 6 या 8 महीने पहले देख रहे थे वो जो स्मॉल एंड मिड कैप में जा रहा था वो अभी थीमेटिक में आने लगा है, जो मुझे लगता है कि उसमें काफी सेंस भी लगता है, बनता है, बिकॉज दैट इज लिंक टू जो अपनी इकोनॉमी की जो स्टोरी होगी। थीमेटिक की ओर आप कह रहे हैं कि पैसा जा रहा है और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये चुनाव और उसके बाद जो भी हाल होगा बाजार का, जो भी पॉलिसी मेकिंग रुख होगा उसको लेकर भी थोड़ा सा निवेशक अब सतर्क रह रहे हैं और उसमें जागरूकता उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये मुझे बताइए, आपके फंड हाउस व्यू के लिहाज से कहाँ खरीदारी ज़्यादा हो रही है? आप जो इंटरनली अपने आंकड़े देखते होंगे सर, तो उसमें किस तरह के फंड ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं? क्या वहाँ भी थीमेटिक का ट्रेंड है? क्या वहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी ज़्यादा हो रही है? SIP की राशि बढ़ी है? किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? क्योंकि तो हमारा जो फंड की जो ट्रेंड है मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं लगता है कि वो इंडस्ट्री की ट्रेंड होगी, बिकॉज फॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो हमारे फ्लोज जो है वो हर कैटेगरी में आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि किस कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा, वो तो क्लियरली मल्टी कैप में आ रहा है और फ्लेक्सी कैप में। और हमने आपको याद होगा कुछ करीबन 8 या 9 सितंबर में हमने बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किए थे जो वन टाइप ऑफ थीमेटिक प्रोडक्ट है, तो वो कैटेगरी में भी काफी निवेशकों का पैसा आ रहा है। तो बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप एंड बिजनेस साइकिल। हमें स्मॉल एंड मिड कैप में अनलाइक इंडस्ट्री हमें मार्च में भी पॉजिटिव फ्लोस थे, अप्रैल में वो पॉजिटिव फ्लोस थोड़ा और भी बढ़े, तो हमारे फंड्स की सो स्मॉल एंड मिड कैप उसमें तो फ्लोस काफी कंसिस्टेंट रही है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की तरफ देखूं तो उसमें तो क्लियरली फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स में ज्यादा निवेश हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा कम होने लगा है लास्ट 2 3 महीने से। अच्छा, निवेशकों में एक ही अपने KYC मैंडेट को लेकर थोड़ी सी चिंता बीच में बहुत नज़र आ रही थी, क्या उसको लेकर कोई खास ऑब्जर्वेशन? क्या वो चिंता वाकई में चिंता है या आपको लगता है कि ये एक मैंडेट था जो कि बताया गया और बहुत ही स्मूथली तमाम फंड हाउसेज ने और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको कैरी आउट किया है?
तो कविता जी, आई एम ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू नो काफी सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा हुई है और कंटिन्यूसली हो रही है. एंड मे बी मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ आपकी दर्शकों को बताने के लिए कि देखिए, जो करीबन 3.5 करोड़ जो म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिक इन्वेस्टर्स है हमारे, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में 18 करोड़ करीबन फोलियोस है, लेकिन यूनिक इन्वेस्टर्स करीबन 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स है. उसमें से 70-75% की जो केवाईसी स्टेटस है वो वैलिडेटेड है. इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टर्स का लाइफ बिल्कुल बदला नहीं है. वो इन्वेस्टर्स कहीं भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम बिना झिझक के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अनदर 20%, तो मतलब करीबन टोटली फिर 95% पे हम जाते हैं, वो इस इन्वेस्टर ने केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस में जी शायद आप पासपोर्ट दिया होगा या ड्राइविंग लाइसेंस दिया होगा या वोटर आईडी दिया होगा. टिपिकली हमने देखा है कि उस इन्वेस्टर्स का भी टिपिकली 6 या 8 फंड हाउसेस या 10-12 स्कीम्स में उनके निवेश ऑलरेडी है, तो उनको उन फंड हाउसेस में और निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर उनको दूसरे फंड में करना है तो या तो वो केवाईसी को मॉडिफाई करेंगे या वो केवाईसी को वैलिडेट करेंगे, और वो काम हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कम्युनिटी है उसने इन्वेस्टर्स को काफी साथ दिया. और ऑब्वियसली हम ये नहीं भूले कि काफी इन्वेस्टर्स ये भी डायरेक्ट निवेशक भी करते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स कोई भी एएमसी का वेबसाइट या आरटीए का वेबसाइट में जाके उनकी जो केवाईसी स्टेटस है उसको वैलिडेट कर सकते हैं. लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स का फॉर वॉट एवर रीजन केवाईसी ऑन होल्ड है, समझिए आपकी ईमेल मोबाइल आपका वैलिडेट नहीं हो पाया या आपका पैन आधार लिंकिंग नहीं हो पाया, उस इन उन इन्वेस्टर्स को थोड़ा कठिनाई हुई है, और उन इन्वेस्टर्स को या तो केवाईसी वैलिडेटेड या रजिस्टर्ड में सहायता लगेगा. एंड मैं ये माध्यम से वही इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड की जो ऑफिस है या वेबसाइट है, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, वो 100% आपका सहायता करेंगे एंड आपकी जो केवाईसी स्टेटस है वो बरकरार. तो मेरे जो जो नॉइस हुआ है और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड रियलिटी वो थोड़ा अलग है. मैं आपको ये भी एक आंकड़ा दूंगा कविता जी कि एक्चुअली मेरे हिसाब से, मेरे डेटा के हिसाब से करीबन अप्रैल महीने में टोटली 80 लाख ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, अगेंस्ट मार्च में 70 लाख. तो अगर आप ये सोचेंगे कि केवाईसी के जो नॉर्म्स अप्रैल 1 से चेंज हुई है, तो नॉर्मल अगर इश्यू है तो आपको ये लगना चाहिए कि 70 लाख तो गिरनी चाहिए, 10% से तो बढ़नी नहीं चाहिए. तो पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी किया, और मैं ये भी कहूंगा कि अपनी सेबी ने भी काफी इसमें काम किया है, एमफी को पुश करने में, केआरए से बात करने में, आरटीए से बात करने में. तो मेरा समरी यही होगा दर्शकों को बताने में कि केवाईसी आप वैलिडेटेड स्टेटस में काफी इन्वेस्टर्स वैसे भी है, और जो नहीं है उनको वैलिडेट स्टेटस में काफी सारा इजी ऑप्शंस है. हर वेबसाइट, हर एएमसी का ऑफिस में, हर आरटीए का जो सेंटर है वेबसाइट पे, वो काफी आसानी से वो करा सकते. आने वाले समय में क्या किसी भी तरह से आप सेबी के साथ क्लोजली काम करके जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं उनमें स्टैंडर्डाइजेशन या और पारदर्शिता की कोई उम्मीद ही आपको लगता है कि फिलहाल जस का तस है? आप दोनों आप रेगुलेटर के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, और अब तक जो आपने नॉइस की बात कही वो जो सुनाई दे रही वो उतनी है नहीं, और शायद फिलहाल जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं वो ठीक ही है और किसी भी सैनिटाइजेशन को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, क्या ऐसा मानना सही होगा सर? वो मानना सही होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 95% ऑफ इन्वेस्टर्स तो वैसे भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ऑलमोस्ट है, राइट? आप वही भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट या निवेश कर सकते हैं. पॉइंट क्या है कि कई निवेशकों जिसका लेट से 4 साल पहले या 5 साल पहले, या ऑनेस्टली मैं खुद का केस के बारे में बताऊं, मेरा केवाईसी मैंने 2008 में किया था, राइट? तो 2008 में ऑब्वियसली आधार भी था नहीं, सो मेरा केवाईसी को ऑब्वियसली मुझे मॉडिफाई करके या तो मैं आधार के साथ वैलिडेट करूं या मैं कोई भी डॉक्यूमेंट और दूं, उसमें थोड़ा सा काम तो होगा. तो जो सेबी ने और
एम्फी को कहा है कि आपको जो भी इन्वेस्टर्स को फैसिलिटी चाहिए कि इसको जितना भी इजी तरीके से करे वो आपको करना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया है, क्योंकि अगर आपके पास केवाईसी वैलिडेटेड है तो आप स्टैंडर्डाइज बेसिस पे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स, आप कैपिटल मार्केट्स में कोई भी प्रोडक्ट, जहाज वो इक्विटी हो या जो भी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि हमको ये नहीं, सेबी ने कहा ये आप ये मान के मत चलो कि 95-97% इन्वेस्टर्स के को दिक्कत नहीं है। आप वो 3 या 4% की इन्वेस्टर्स जिसको कठिनाई है उनका सहायता कर लीजिए, और जो जिसपे हम लास्ट 1-2 हफ्ते से काफी नए फैसिलिटीज भी लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से होपफुली मई के महीने में ये जो नंबर्स होंगे वो और भी कम हो जाएगा। मेरे पास सवाल बहुत हैं सर आपके लिए, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी खास चर्चा की हमारे साथ, तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता जी।